हरियाणा के पंचकुला के मोरनी के एक होटल में नौकरी का झांसा देकर एक 22 साल की महिला के साथ 40 लोगों के गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। होटल में महिला को 4 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। चौथे दिन महिला आरोपियों के चंगुल से किसी तरह भाग निकली और घर पहुंचकर अपने पति को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित महिला पति के साथ पंचकुला के महिला थाना सेक्टर 5 पहुंची, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय यह कहकर थाना मनी माजरा भेज दिया कि मामला चंडीगढ़ का है। बाद में महिला ने मनी माजरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। मनी माजरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला पंचकुला पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। चंडीगढ़ पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया था, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ये एक्सप्लोर किया कि इंसिडेंट मोरनी में हुआ है, जो कि पंचकुला का एरिया है। तो अभी उनसे बात हुई हमारी, तो वो कह रहे हैं हम केस ट्रांसफर कर देंगे, आगे की कार्रवाई हम करेंगे इसमें, और जिस जिसके भी एंड पे जो गलतियां रही हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और इसमें 2 आदमी अभी अरेस्ट हो गए हैं, जो होटल था इसका ऑनर है सन्नी, जो इसको चला रहा था सन्नी उर्फ सुनील, और जो एक मैनेजर था इसका, वो 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं इसमें।